महत्व। जापानी लोग टेक्नोलॉजी में हमसे सभी क्षेत्र में आगे, हमारा कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। वे लोग अपना हर कार्य बेहद खूबी से और पर्यावरण को ध्यान में रखकर करते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ रिजल्ट को ही महत्व देते। रिजल्ट पर्यावरण के साथ साथ पाए जा सकते हैं, जिसका एक छोटा सा उदाहरण आज का कीटनाशक डेंटासू है। डेंटासू इतना अच्छा इंसेक्टिसाइड होने के बावजूद इसके आज की तारीख में ज़्यादा वीडियो या इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो चलता है। मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो अपना जिसके ज़्यादा रिजल्ट है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, डेंटासू 200 साल से जापानी लोग कृषि में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जिसका प्रमाण आपको मिलीबग कंट्रोल में दिख जाएगा। आसानी से कंट्रोल न होने वाली यह कीट मिलीबग डेंटासू से आसानी से कंट्रोल में आ जाती है। डेंटासू में क्लोथियाडिन नामक कंटेंट 50% WDG फॉर्म में उपलब्ध है। यह कीटकों के नर्वस सिस्टम पर अटैक कर कीटकों को पैरालाइज कर देता है। गन्ने के किसानों को आने वाले सफ़ेद गिंडार यानी व्हाइट ग्रब को यह आसानी से कंट्रोल कर पाता है। इसके साथ साथ यह थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, लिप हॉपर्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। इसका स्प्रेइंग के लिए 25 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ड्रेंचिंग में बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है डेंटासू। डेंटासू ड्रेंचिंग के लिए 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम डेंटासू का इस्तेमाल करें। और डेंटासू की एक और खास बात, इसका pH 7 है। यह न तो एसिडिक है और ना ही अल्कली है, इसलिए यह पर्यावरण की भी रक्षा कर पाता है। तो देखा, जापान के लोगों ने अपने पूर्वजों का कीटनाशक आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट आज भी मिलते हैं। कोई नया कीटनाशक आया तो उसके तरफ भागने वालों में से जापानी लोग नहीं है। जापानी लोग सिर्फ रिजल्ट के साथ साथ पुराना और नया ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उनसे समझो और सीखो, हमारा भी देश महान है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? जो नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।